सो फाइनली मैं कहीं जा रही हूँ बाहर. ये अकेले रहने वाला है टेडी फॉर द टाइम बीइंग. कुछ काम है जिसके लिए मैं जा रही हूँ और इम्पोर्टेंट भी है, तो ये अकेले रहने वाला है. जाने से पहले मैं इसे एक राउंड हवा में उछाल के जाऊंगी, क्योंकि ये अकेले रहेगा. ये है टेडी. मैं सोच रही हूँ इसका नाम लो किसी दिन, पर फिलहाल ये ऐसे ही है. इसको मैं अपने साथ नहीं ले जा सकती, तो इसको मैं यही बिठा दे रही हूँ. सो बस हेलो फ्रेंड्स. सो आज संडे है, टाइम हो रहा है 12 बजने जा रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कि ये टाइम होता है जब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ. इस टाइम मुझे थोड़ी भूख लगी होती है, सुबह सुबह तो बिल्कुल ही नहीं लगी होती. सुबह मैं सिर्फ टैंग पीती हूँ. आज ब्रेकफास्ट में है सूजी के उत्पम, जो मैं सॉस के साथ खा रही हूँ. सूजी के उत्तपम बहुत टेस्टी होते हैं. इसमें मैंने गाजर डलवाया है, प्याज डलवाया है और टमाटर डला है, और साथ ही मैं खा रही हूँ मटर. का सीजन जा ही रहा है, सर्दियाँ जा रही है, तो ये शायद जो थोड़े बहुत मटर के सीजन बचे हुए हैं, मुझे मटर बहुत ज्यादा पसंद है, तो घर में खा रही हूँ. और ये एक कप चाय, जो मेरी सुकून की जगह है, वो मैं पीने वाली हूँ. काम खत्म नहीं हुए, पर मैंने अपने लिए जगह ढूंढ ली है कि कब सुकून कैसे लिया जाए. खत्म होते भी नहीं था काम को भी. मौसम काफी बदल रहा है, अभी बारिश हो रही थी, अब कड़क धूप निकल रही है बाहर. सो होपफुली मेरे कपड़े सूख जाएंगे जो मैंने धुलने में डाले थे. पहले मैं सोच रही थी मैं नहीं मशीन चलाऊं, पर मौसम थोड़ा ठीक देख के मैंने उसको चला दिया, तो अब वो करेंगे. अभी मैं इंजॉय करने वाली हूँ मेरा ये ब्रेकफास्ट. आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? कुछ खाया भी या भूखे ही रह गए, या सोचा कि ब्रेकफास्ट नहीं बनाते हैं? आलस नहीं करना चाहिए, सुबह उठ के काम कर लेनी चाहिए.